हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीत्स गार्डन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला मिर्च के प्लांट के बारे में। ये देखिए, शिमला मिर्च का प्लांट मेरे गार्डन में ग्रो बैग में लगा हुआ है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इस पर कितनी सारी शिमला मिर्च बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए, एक ये बनी हुई है, उसके अलावा देखिए आप दो शिमला मिर्च यहाँ पर लगी हुई हैं और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर भी बनी हुई है और यहाँ पर नीचे भी शिमला मिर्च बनी हुई हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शिमला मिर्च बनी हुई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये छोटी सी शिमला मिर्च आपको नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी सारी शिमला मिर्च इसमें फ़िलहाल बनी हुई हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग इस बार मुझे इससे मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम शिमला मिर्च के प्लांट के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे मैंने इसको ग्रो किया था और कैसे मैं इसकी केयर कर रही हूँ जिससे मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी इससे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये देखिए, जो शिमला मिर्च का प्लांट है ये मैंने एक्चुअली सीड से ग्रो किया था। सीड्स मैंने मिट्टी में डाले थे जो जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मुझे लगा नहीं होंगे क्योंकि वो ऐसा ही सस्ता सा बीज का पैकेट था 20 रुपीज़ वाला, तो मुझे लगा ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ टाइम बाद मैंने उस मिट्टी को दूसरे प्लांट्स में यूज़ कर लिया था और टाइम के साथ वो सीड्स अपने आप ही निकल आए फ्रेंड्स, और मैंने उन प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया। और देखिए, इस पर अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए शिमला मिर्च बनने भी लगी हैं। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पॉट का साइज़ बता देती हूँ। मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया हुआ है और ये 12x15 का ग्रो बैग है। 12 इंच इसकी हाइट है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है, और इस तरह से 12x15 का ग्रो बैग है। और इसको मैंने फ्रेंड्स पूरा नहीं भरा हुआ, इसलिए इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा मोड़ दिया है ताकि इसकी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से सनलाइट जाती रहे, क्योंकि धूप लगती है ना फ्रेंड्स, तो हमारी मिट्टी में पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है और फंगस वगैरह भी नहीं लगती है। तो मिट्टी में इस तरह से धूप लगनी बहुत अच्छी बात होती है, तो में धूप अच्छे से लगती रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। और जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था फ्रेंड्स, तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसमें जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो फिल किया था, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रो बैग होता है फ्रेंड्स, इतनी सारी मिट्टी हमारे पास नहीं हो पाती है। तो यहाँ तक मैंने इसमें किचन वेस्ट फिल कर दिया था और ऊपर मैंने इसमें मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके और मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया था। और जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग मुझे इस प्लांट से मिली थी फ्रेंड्स, वो एक्चुअली इस पर दो शिमला मिर्च लगी थी, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में शेयर भी की थी। और वो दो शिमला मिर्च फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, हालांकि इस साइज़ से तो बड़ा साइज़ था उनका, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हो पाई। और मैंने इसमें फर्टिलाइज़र भी दिए, धूप में भी रखा, बट वो ना बहुत टाइम तक वेट भी किया मैंने, ना उनका साइज़ इतना बढ़ रहा था और जो आगे फ्लावर्स बन रहे थे वो भी शिमला मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, वो गिर जाते थे। तो इस वजह से मैंने उन दो शिमला मिर्च को हार्वेस्ट कर लिया था। और जैसे ही मैंने उन दो शिमला मिर्च को हार्वेस्ट करके और इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया फ्रेंड्स, उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सेकंड हार्वेस्ट जो मुझे मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, क्योंकि अभी अगर मैं इस प्लांट की बात करूँ तो इसे मैं 10 से 12 शिमला मिर्च लगी हुई हैं और जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे शिमला मिर्च में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अभी कोई एक आध फ्लावर गिर जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज़ अभी कोई भी फ्लावर नहीं गिरता है, सभी शिमला मिर्च में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी धूप भी अच्छी मिलने लगी है। इसको पूरे दिन के सनलाइट में मैंने रखा हुआ है तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट हार्वेस्ट में मुझे इससे दो ही शिमला मिर्च मिली थी, तो ये चीज़ ना मैंने पहले भी नोटिस की थी फ्रेंड्स। लास्ट ईयर जब मैंने गर्मियों में भिंडी ग्रो की थी तो उसमें भी मुझे स्टार्टिंग में 3 से 4 भिंडी ही मिलती थी प्लांट से। कोई भी प्लांट जैसे फर्स्ट हार्वेस्ट होता था, मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो किए थे तो हर प्लांट से मुझे 3-4, 2-3 ऐसे भिंडी ही मिलती थी। तो मुझे लगा कि भी गार्डन में जैसे हम गमलों में अगर प्लांट्स लगाते हैं तो इतनी अच्छी हार्वेस्ट शायद नहीं मिलती होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उन भिंडी को हार्वेस्ट कर लिया था तो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जो मुझे हार्वेस्ट मिली थी वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिली थी।
तो इस वजह से ये चीज ना मैंने एक्सपीरियंस की है फ्रेंड, शिमला मिर्च में भी और भिंडी में भी, कि जो हमें फर्स्ट हार्वेस्ट मिलती है वो 2 या 3 पीसेस की ही मिलती है, तो उन्हें हमें ना ज़्यादा लंबे टाइम वेट नहीं करना चाहिए, उनका साइज वगैरह इंक्रीज करने के चक्कर में उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और फिर अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग दे देना चाहिए, तो जो सेकेंड और थर्ड हार्वेस्ट मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है हमें। तो फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स शिमला मिर्च के लिए, देखिए फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये हमारा ना जो मेन फर्टिलाइज़र होता है वो होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने प्लांट में गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो वो यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ देखिए मेरा एक्सपीरियंस गोबर की खाद के लिए, एक आध बार मैं लेकर आई हूँ तो या तो वो मुझे कच्ची मिली है, अच्छे से डिकम्पोज नहीं थी, मेरा एक्सपीरियंस गोबर की खाद के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है, तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, जिस टाइम आप मिट्टी बनाएं उस टाइम इसमें आप 20-30% वर्मी कंपोस्ट जरूर ऐड कीजिए। उसके अलावा आप इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अभी मार्च और अप्रैल के महीने में भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप सरसों के खली का फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है और प्लांट उससे जल जाता है, क्योंकि धूप वगैरह बहुत तेज़ हो जाती है और गर्मी भी बहुत तेज़ हो जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप इसमें नीम खली डाल सकते हैं, ताकि प्लांट की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह और कीड़े का अटैक ना हो, और साथ में उससे प्लांट को न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स जो भी देखिए पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हो गया, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, ओनियन पील फर्टिलाइज़र हो गया, इस तरह के जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो पोटेशियम और फास्फोरस से रिच होते हैं, जो हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को देते हैं, वो भी आप अपने इस प्लांट को रेगुलर देते रहिए हफ्ते में 10 दिन में, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं फ्रेंड्स वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, तो अगर आप हफ्ते में भी उनको पानी में डिल्यूट करके देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट गर्मी में थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा डाल दीजिए, उसको जो डाइल्यूट करते हैं हम पानी में उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको हर हफ्ते 10-15 दिन में उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहिए, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसे सनलाइट की अगर बात करें, तो सनलाइट देखिए कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सनलाइट उसको बहुत अच्छी चाहिए होती है, तभी फर्टिलाइजर दिए हुए काम में आते हैं। अदरवाइज हम कितने भी फर्टिलाइजर यूज कर लें लेकिन कोई फायदा नहीं होता अगर हमारे प्लांट को धूप नहीं मिलती है, तो फ्रूटिंग तो उसमें तभी हो पाती है जब उसको अच्छे से पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। अभी मार्च का महीना चल रहा है तो इसको फुल डे की सनलाइट दीजिए, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करूं मैं पेस्ट अटैक की, तो देखिए शिमला मिर्च में मैंने अभी कोई मतलब इतना पेस्ट अटैक वगैरह देखा नहीं है। हाँ बीच में जैसे एक आध बार इसमें ना मिली बग्स एक एक दो दो दिखते रहते हैं, तो मैं उनको साथ के साथ निकाल देती हूँ और हर 15 से 20 दिन में मैं कोई ना कोई नेचुरल पेस्टिसाइड का, जो घर पर ही बनाए होते हैं, होममेड होते हैं, उनका यूज़ कर लेती हूँ। और बीच में इसकी ना एक प्रॉब्लम आई थी, इसकी लीफ कर्ल होने लगी थी, ये पत्तियाँ जो हैं ये इस तरह से मुड़ने लग जाती है अंदर की साइड, तो वो प्रॉब्लम मैंने थोड़ी सी फेस की थी इसमें। बट जैसे ही मैंने उसमें वो जो लस्सी बटर मिल्क होता है उसको हम तांबे के बर्तन में जो भिगो कर डालकर मतलब होममेड पेस्टिसाइड बनाते हैं, वो मैंने इस पर स्प्रे किया था, उसके बाद इसमें लीफ कर्ल की कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। एक आध मिलीबग बस जो दिखता है वो मैं साथ के साथ रिमूव कर देती हूँ, और मे बी इसमें एफिड्स वगैरह का भी अटैक होता हो, मैंने अभी तक नहीं देखा है, मे बी होता हो, तो उसके लिए भी आप फ्रेंड जो ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नीम ऑयल इसमें स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप नीम ऑयल में अच्छे नीम ऑयल में इन्वेस्ट कर सके तो नीम ऑयल इस पर स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी इसके पेस्ट वगैरह का कंट्रोल रहता है। तो फ्रेंड्स लास्ट टिप मैं आपको इस प्लांट के लिए यही दूंगी, इस प्लांट के लिए फ्रेंड्स क्या मैं आपको सभी वेजिटेबल प्लांट्स के लिए टिप देना चाहूंगी, कि जब भी आप कोई वेजिटेबल प्लांट ग्रो करते हैं तो उसके साथ एज अ कंपेनियन प्लांट ये देखिए ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, ये जरूर ग्रो कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये तो नहीं कहूंगी कि मैरीगोल्ड आप साथ में लगा देंगे तो बिल्कुल उसमें कीड़े लगेंगे ही नहीं, लेकिन मैंने हाँ ये पहले भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप वेजिटेबल प्लांट्स के
साथ मैरीगोल्ड के प्लांट को लगा देते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो देखिए आपके उसी गमले में सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं और पेस्ट का काफ़ी हद तक बचाव रहता है फ्रेंड्स। अगर अभी मैंने इसमें गेंदे नहीं लगाए होते तो इसमें पेस्ट का अटैक कहीं ना कहीं ज़्यादा होता, लेकिन अगर मैंने इसमें गेंदे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं साथ में गेंदे का प्लांट लगाया हुआ है, तो पेस्ट का अटैक इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा फ्रेंड्स, जो गेंदे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में जैसे फैलती हैं तो उससे कहते हैं कि नीमाटोड्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि मैंने आज तक मेरे गार्डन में कभी नीमाटोड्स वगैरह की प्रॉब्लम फेस नहीं की है, शायद इसी वजह से फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जब भी वेजिटेबल प्लांट लगाती हूँ तो मैं साथ में मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगा देती हूँ, तो इससे मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगती, नीमाटोड्स वगैरह इस तरह की, और हमारे प्लांट्स मरने से बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में बढ़िया सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।